राजस्थान के उदयपुर जिले के सलुम्बर में दलित शिक्षक एवं पुत्र पर जानलेवा तलवार से हमला किया गया। इस दौरान शिक्षक की हत्या का मामला प्रदेश में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। जूली ने कहा कि राजस्थान में कानून का राज बिल्कुल खत्म हो गया है। सलुम्बर की जो घटना है, ऐसा राज सरेआम जिस प्रकार से एक दलित शिक्षक को तलवार से काट दिया गया, घर में घुस के काट दिया गया, वहाँ की जो वीडियो और फोटोज आ रही हैं उनको देख के ही दिल दहल जाता है। ऐसी स्थिति प्रदेश के अंदर बन रही है, कहीं नज़र नहीं आ रहा कि सरकार दलितों के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार कर रही है। दलितों को लगातार मारा जा रहा है, उनकी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रोजाना बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार सो रही है। आज की ये जो घटना है, इस घटना के बावजूद प्रशासन अभी तक चेता नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है और अपराधों में प्रदेश को अग्रणी बनाने में प्रयासरत है। जूली ने राजस्थान सरकार से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और घायल को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। कल से लेकर आज तक परिवार की कोई मदद नहीं की गई। परिवार 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात कर रहा है, परिवार संविदा या दूसरी नौकरी की बात कर रहा है, परिवार चाहता है कि उनको आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएं। और मैं एक डिमांड और रखूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी हमारे दलित समाज के लोगों ने आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, जिनको धमकियां दी गई हैं, उनको लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। आज कानून व्यवस्था 0 है, कोई सुनने वाला नहीं है। सुबह से लेकर अब तक वहाँ सैकड़ों हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आवाज़ उठाना चाहते हैं हमारे सांसद, तो उनको वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये हालत वहाँ पे है। खुद मैंने स्वयं सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी आज पहली बार सदन के अंदर चर्चा के दौरान आए, मैंने उनके सामने भी इस बात को सुबह उठाया था, उनकी नॉलेज में लेके आया था किस प्रकार की घटना घटी है रात को, आप उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार दलितों के पक्ष में सोचती नहीं है, दलित इनको दिखते नहीं है, ये नहीं चाहते कि दलितों की रक्षा की जाए। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ इस सरकार पे, अगर दलितों का ये सम्मान करना चाहती है, दलितों की रक्षा करना चाहती है, दलितों को संविधान सम्मत रखना चाहती है, तो सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और उस परिवार की मदद करे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पिछले 7 महीने में राजस्थान में दलितों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ी है। भरतपुर जिले में दलित को घोड़ी से उतारने का मामला सामने आया था। टीकाराम जूली ने कहा उदयपुर की घटना को लेकर सड़क से संसद तक का आक्रोश है, कांग्रेस लगातार दलितों की आवाज उठाती रहेगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, हम पहले ही कह रहे हैं ये सरकार जो है संविधान विरोधी सरकार है, और ये सरकार बनने के बाद में दलितों पे जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी खुद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया था। वहीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस नेता शांति धारीवाल के अपशब्द के मामले पर जूली ने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैंने सुना नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने सुना नहीं उस समय में। बताया जा रहा है कि दलित शिक्षक को आए दिन धमकी मिलती थी। इस मामले से पहले भी दबंगों द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा था। इसका मूल कारण मृतक द्वारा गांव में अच्छी लोकेशन में मकान बनाना बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि इसकी शिकायत उसने पुलिस में भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें जान से मार दिया गया। शिक्षक शंकर के परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है, जिसकी उम्र 2 साल है।